रिलेटिव फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे गांव में उर्स शरीफ है। उर्स शरीफ यानी कि हमारे गांव में जो मज़ार है हज़रत भाई साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनकी, तो उनका उर्स मुबारक है आज, तो उसी की यहां पर सब तैयारियां चल रही है। तो मैंने कुछ शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ में। पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत माहौल था तो मैंने सोची कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दूं कि हमारे इधर में किस तरीके से होता है करके। और इसके आगे आप नहीं रहेगी, आप एंजॉय करो वीडियो को बस। तो इस वीडियो के लिए नहीं क्या मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत मेहनत किए थे कि मुझे छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ की मिल जाए करके। तो इसमें भाभी अम्मी अब्बू सबकी बहुत मेहनत है। तो और ऊपर से नहीं क्या ये हम लोग जो यहाँ पर उर्स में शामिल हुए हैं तो ये हमारे नहीं क्या दिल की फीलिंग से जुड़ी हुई बातें हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर गलत कमेंट पास ना करें, किसी की फीलिंग को हर्ट ना करें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को मानते हैं। आप नहीं मानते तो आप अपने पास अपने कमेंट रहने दीजिए, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी को हर्ट हो ऐसा बिल्कुल ना बोले यहाँ पर। आप नहीं करते वो आपका प्रॉब्लम है, हम करते ये हमारा प्रॉब्लम है।
फिर मैं जा रही हूँ, मतलब वही संदल में जब हम लोग यहाँ गए थे ना, तो अभी उधर की मज़ार में है, फिर संदल वहाँ पर जाने का है, मतलब बूढ़ है तो उधर में, तो भाभी नहीं आ रही है, मैं जा रही हूँ, अम्मी और अनायसा जा रही है। जब मेरी बॉटल दे देना पानी की अम्मी के। हाँ अबू बॉटल दे दो क्या। फाइनली हम लोग मज़ार तक पहुंच चुके थे। आप लोग बोलेंगे मज़ार के अंदर गए थे, तो जाहिर सी बात है हर कोई ये जानता है, मुसलमान जानता है कि लेडीज़ लोगों को मज़ार की कुछ हदें रहती है, वहाँ उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती और हर कोई नहीं जाता है वहाँ पर अंदर तक, यानी बहुत दूर खड़े रहते हैं हम लोग, बहुत दूर, एक नहीं क्या कंपाउंड वाल है, कंपाउंड वाल के भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर थे। सिर्फ यहाँ पर कैसा था, खाना वगैरह था उसका, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए भी आए थे हम लोग, और संदल हमारे घर के पास से निकला था, यानी कि अम्मी के घर के पास से, और यहाँ तक के मज़ार है वहाँ तक के गया था, तो इस वजह से सारे लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर चादर वगैरह चढ़ी और फिर यहाँ पर खाना वगैरह हुआ है सबका। खाना भी दाल चावल था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, टेस्टी था खाना। वैसे भी संदल का उर्ज का खाना बहुत अच्छा होता है, तो वही हम लोगों ने खाना वगैरह खाए, और फिर बाद में क्योंकि अभी तो संदल जो था वो घूम रहा था ना, तो उस वजह से पहले यहाँ पर खाने शुरू हो गए थे, और फिर बाद में आकर के निकल, जैसे ही संदल आता है तो फिर वो सारी क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था, और पहली बात तो ये जो है ना, ये पूरे 3 साल के बाद में निकला था, तो इसका जो माहौल था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही खूबसूरत सा निकला। बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से कमेटी ने अरेंज की थी, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, कई दिनों के बाद में, मतलब 3 साल के बाद में हुआ है ये, तो जाहिर सी बात है इतने सालों के बाद में, मतलब कोरोना की वजह से तो कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, उसके बाद में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह से हर खुशी हर किसी ने बहुत अच्छे से मनाए हैं, चाहे वो ईद की हो, उर्स की हो, हर बात की, तो बस यहाँ पर भी वही सब कुछ हुआ है।
लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।